हम लोग एक बेसिक एम्पलीफायर बनाने जा रहे हैं, तो जिसके लिए हमें कुछ ही कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस एम्पलीफायर को हम लोग ब्रेडबोर्ड पे बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक ठो ट्रांजिस्टर चाहिए जो कि BC547 एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसको बोर्ड में प्लेस करने के बाद हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा, ये आप 5K से 10K कोई भी वैल्यू का ले सकते हैं, हम 10K का लेंगे। इसको बेस टू कलेक्टर लगा देंगे। फिर एक 220 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लेंगे जिसका नेगेटिव लेग को बेस में और पॉजिटिव लेग को कहीं भी बाहर अटैच करेंगे, जहां पर जिस लेग से हम लोग ऑडियो सिग्नल को डालेंगे। अब एक छोटा सा जम्पर लेके एमिटर को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। इसको अच्छे से ग्राउंड करने के बाद हम एक 8 वाट का स्पीकर लेंगे। स्पीकर का पॉजिटिव लेग को पॉजिटिव सप्लाई में डालेंगे और नेगेटिव लेग को कलेक्टर पिन में डाल देंगे। अच्छे से कनेक्शन होने के बाद अब हम लोग इसमें ऑडियो सिग्नल का पिन डालेंगे, जिसका ग्राउंड लेग को नेगेटिव पिन के साथ अटैच कर देंगे और जो वो साउंड इन का जो पोर्ट होता है उसको हम लोग कैपेसिटर का पॉजिटिव लेग के साथ अटैच करेंगे। फिर सारा सेटअप अब सही है, बस अब इसमें पावर सप्लाई का लाइन डालेंगे जो कि 6 वोल्ट डालेंगे। हम लोग इसको 5 से 9 वोल्ट के अंदर ले सकते हैं, हम 6 वोल्ट लेंगे। तो पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव सप्लाई को नेगेटिव के साथ जोड़ने के बाद अब साउंड को हम लोग टेस्ट करेंगे। सिंगल ट्रांजिस्टर का जो साउंड था वो बहुत कम आ रहा था, तो इस साउंड का गेन को बढ़ाने के लिए हम लोग सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर का एमिटर टू ग्राउंड जो जंपर है उसको हटा देंगे और इसमें और एक BC547 ट्रांजिस्टर को ऐड करेंगे इसी के बगल में। इस ट्रांजिस्टर को ऐड करने के बाद इसका एमिटर पिन को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देना एक जंपर की मदद से। फिर इस ट्रांजिस्टर का बेस वाले पिन को पहले वाले ट्रांजिस्टर का एमिटर पिन के साथ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो नया वाला ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन बच गया है, इस कलेक्टर पिन को पहले वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के पिन के साथ शॉर्ट कर देना है एक जम्पर की मदद से। बस सर्किट इतना ही था। हम लोग का सेकेंड वाला एम्पलीफायर सर्किट भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा जो साउंड है वो थोड़ा सा बूस्ट होके हम लोग को सुनाई देगा। अब इसको चेक करते हैं हम लोग। हम लोग अगर इस जो शॉर्ट था कलेक्टर टू कलेक्टर इसको अगर हटा के देखें तो साउंड में थोड़ा सा चेंजेस हम लोग को समझ में आएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।